मुख्यमंत्री योगी के समय समय पर पुलिस विभाग को चेताने और सुधार लाने के आदेशों के बावजूद पुलिस महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। मामला है सिद्धार्थनगर के मोहाना थाने का, जहां वर्डरपुर आठ का रहने वाला परिवार थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गया तो अपना दुखड़ा रोने के लिए जिले के कप्तान के पास पहुंच गया। हम बताते हैं आपको मामला क्या है। हाथ में फोटो लिए यह बेबस माँ पिछले 5 दिन से मोहाना थाने के चक्कर लगा रही है। दरअसल इस बेबस माँ का 14 वर्षीय बेटा आशीष, जो भागलपुर बिहार में अपने ननिहाल में रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा खत्म करने के बाद अपने माता पिता के पास अपने घर आता है और फिर घर से टहलने के लिए निकलता है, मगर वापस नहीं आता। थाने में कोई सुनवाई न होने पर अब यह बेबस परिवार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है और पुलिस को लेकर शहर में अपने जवान बेटे को ढूंढ रहा है। वही जिले के कप्तान का कहना है कि जांच की जा रही है और जल्द बहुत लड़के को ढूंढ लिया जाएगा। आपको बताते चले कि एक माह पहले भी ऐसे ही एक घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे, जब एक जवान लड़के को पुलिस ढूंढने में नाकाम रही थी। कुछ दिन बाद उस लड़के की लाश मिली थी। फिलहाल परिवार पुलिस पर भरोसा कर लड़के की वापसी की दुआ कर रहा है। हमारा लड़का 13 तारीख दिन मंगलवार शाम 6:30 बजे से गायब है। क्या करता है बच्चा? बच्चा तो इस साल बोर्ड का एग्जाम दिया है, बिहार में पढ़ता था भागलपुर जिले में। क्या कह के निकला था घर से? वो बोला कि मॉम हम जा रहे हैं खेलने के लिए, दौड़ लगाने के लिए। और तब से जब ढेर देर हो गया, इंतजार किए नहीं आया, तब हम लोग खोजना शुरू किए। तब से अभी तक बच्चा निकला नहीं। किशन वगैरह या अधिकारियों से मिली को चुके हैं? मोहाना थाना में दरखास्त दिए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर हम आए। कहाँ? नौगढ़ में एसपी साहब के पास। क्या कहा मैंने? तो यहाँ पर दरखास्त दिए हैं, तो फिर मोहाना थाना में बात की है कि आप लोग कार्रवाई शुरू कीजिए। मंगलवार को शाम को निकला था 6:30 बजे दौड़ने के लिए, बोला घर से बोल के निकला है कि जा रहे हैं दौड़ने के लिए। उसके बाद में काफी समय बीत गया, लगभग 7:30 बज गया, 7:30 से 8 हो गया। उसका हम इंतजार करते रहे, फिर बाद में काफी समय बीतने के बाद में उसका खोजबीन शुरू कर दिए। जब नहीं लौटा घर से तो काफी खोजबीन के बाद में वहां से फिर नौगढ़ आए स्टेशन पर, वहां पता किए, वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद में हम बुधवार को सुबह थाना मोहाना में जाके एप्लीकेशन दिए, वहां यह कहे कि आप 24 घंटे का इंतजार कीजिए, दूसरे दिन आपकी कार्रवाई शुरू होगी। हम फिर दूसरे दिन गए तो एसओ साहब ने वहां यह कहा कि मतलब मुकदमा अपना जो है ठीक है, फोटो दे दिए, फोटो उनको दे दिए, देने के बाद में बोले जाइए आपका काम हो जाएगा। और आज दिन शुक्रवार हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। फिर हम आज एसपी साहब के यहाँ दरखास्त दिए हैं, एसपी साहब ने थाना एसओ मोहाना से मतलब बात की हो, बोले जाइए आपका काम मतलब चालू हो रहा है। क्या करता था बच्चों का? बच्चा सर पढ़ाई करा था, उसने मैट्रिक का एग्जाम दिया बिहार बोर्ड में। के वर्डपुर गांव का एक लड़का है आशीष, जो अपने मौसी के यहाँ भागलपुर में पढ़ता था, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद आया हुआ था, कुछ दिन रहा। उसकी मिसिंग की रिपोर्ट थाने में दिया है, रिपोर्ट दर्ज है, उसकी CDR कॉल डिटेल, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों यहाँ रहा है, भागलपुर बिहार ही लगातार था, कहाँ से कैसे गायब है विधिक कार्रवाई की जा रही है।